रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ अब मैं अगले टॉपिक पर आती हूँ। स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे में कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए जिससे हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़े? अरे ये तो भू नमन आसन कर रहे हैं, बहुत खूब। बढ़ाने के लिए तो हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे, और जो इतना ना कर पाए थोड़ा कोशिश तो करें आगे झुकने की, जितना हो सके आगे माथा टिका दे ऐसे। और ये बच्चे तो बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं, जितना बन पाए उतना कर ले, इतना ना बन पाए तब भी कोई बात नहीं। अब बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए चलो खड़े हो जाओ, सबसे अच्छा होता है बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अभी स्ट्रेचिंग के लिए, फिर आगे स्पाइन के लिए भी बताएंगे, अलग अलग अंगों में चोट लग जाए, गर्दन पर, कंधों में, कमर पर, घुटने पर, तो उसके लिए क्या करें। लेकिन पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए सब क्रिकेटर्स को 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 5 मिनट में कम से कम 25 बार हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थोड़ा फास्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 सेकंड में एक बार, एक श्वास में एक बार सीखना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी धीरे धीरे सिखा दें, अमित की आज दूसरी क्लास है। मैं फॉलो कर रहा हूँ स्वामी जी को, कैसे कर रहे हैं। या मीनाक्षी जी सीखना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट में कम से कम 25 से 30 बार हो जाएगा। तो हमारे सारे क्रिकेटर्स के लिए और उनके कोच के लिए मेरी सलाह है कि कम से कम जी 25 बार सूर्य नमस्कार करें। और अपने भुजाओं को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, 25 बार ऐसे कर लें। ये आधा मिनट का काम है, 25 बार करने में आधा मिनट लगता है, ऐसे थोड़ा उछल उछल के कर लें। आधा मिनट का काम है ये, आधा मिनट का ऐसे ये, और इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। खैर अगला, अब देखो कई तरह के दंड बैठक हमने बताए हुए, चक्र दंड से लेकर के शेर दंड से लेकर के, ये तो सब हमारे बच्चे भी यहाँ पर पूरे करते हैं। स्वामी जी आप डायरेक्ट लेवल 4 तक ले जाते रहेंगे, रहेंगे। मीनाक्षी तो 4 के पास भी है, मैं तो लेवल 1 पे भी तो लाइए हमें तो नहीं, ये 4 पे सीधा, ये हम हित के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, चक्र दंड और ये शेर दंड ऐसे ऐसे, ये तो हम साधारण दंड लगा लेते हैं उसके लिए है। अब देखो अब ऐसा करते हैं जो सबके फिटनेस के लिए और सबके एनर्जी लेवल को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है, ये है मिश्र दंड। चलो ऐसे बैठे, ऐसे नीचे गए, ऐसे ऊपर उठे, ऐसे वापस आए, ऐसे या लंबे लंबे श्वास। एक एक मिनट का कार्यक्रम है ये, चलो ज्यादा नहीं, 1 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले, 1 मिनट दंड लगा ले, 1 मिनट बैठक लगा ले, एक एक मिनट में। मैं तो 1 मिनट में 25 बार करता हूँ इसको, नहीं नहीं हमारे तो एक तो मिनट एक मिनट में छोटा पड़ जाएगा, ऐसे सुपर फास्ट ऐसे 1 मिनट में ऐसे 60 बार ऐसे, ये स्वामी जी हम ऐसे ही दंड लगाते हैं जो हम दंड है ऐसे ऐसे लो बेटा, ये 1 मिनट में 60 बार वाली स्पीड थी। तो ये फिर फिटनेस के लिए देखो ऐसे, ये तो बीच बीच में हमारे क्रिकेटर करते भी रहते हैं बटरफ्लाई जी, ये भी अच्छा है। अब रीढ़ की हड्डी बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे भी जनरल फिटनेस के लिए भी और क्रिकेटर्स के लिए, तो यदि रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, कमर में चोट आ गई, चोटिल हो गए तो गए काम से। तो कमर के लिए कम से कम 5 अभ्यास बता देते हैं, फिर आप प्रश्न भी ले लेना जी। जी और कमर में चोट लग जाए कहीं पर भी
तो हमारे पास एक उपाय भी है। जड़ी बूटियों से हमने पीड़ा नील स्प्रे बना रखा है, मैं अपनी क्रिकेट टीम को जो है पतंजलि की तरफ से भेज दूंगा, चैरिटी में भेज दूंगा, कोई बात नहीं, जहां चोट लगे वहीं लगा दो, इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। और ये अभ्यास कर, कमर में चोट लगी, घुटने में चोट लगी, कंधे में चोट लगी, और पीड़ा नील गोल्ड और ऑर्थोग्रीट दूध में वैसे हल्दी शिराजीत भी जबरदस्त फायदा करता है। तो ये जो ऐसे भी ना कर पाए जिनकी बॉडी थोड़ी स्टिप रहती है, वो हाथ ऐसे लगा ले कमर के पीछे। हम पहले कमर की बात कर रहे हैं। और ऐसे ये है जी, क्योंकि कमर सबसे महत्वपूर्ण है ना जी। वैसे तो देखो कल आपने देखा कितना खराब मौसम था, आंधी तूफान के बीच में हमने योग किया, आज कम से कम ठंड तो है लेकिन सूरज उदय हो गया है, इसलिए मैं नंगे बदन योग कर रहा हूँ और कोई परेशानी नहीं है। वैसे जिनको ठंड भी लगती हो तो दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लो, ये भुजंग आसन, ये 5 आसन सारे क्रिकेटर्स को, जो क्रिकेटर्स के फिजियोथेरापिस्ट हैं, जो उनके हेल्थ कंसल्टेशन उनको देने वाले डॉक्टर्स हैं, जो भी चाहते हैं कि भारत की टीम विजेता बने, उनके परिजन तो देख ही रहे होंगे, हो सकता है कुछ क्रिकेटर्स भी समय देख रहे हो, लंबे गहरे श्वास, ये भुजंगासन, फिर ये सलभासन, एक एक पैर से अथवा दोनों से, और भुजंगासन और सलभासन के बाद धनुरासन, ऐसे इससे पूरी फिटनेस रहेगी, माने रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। चलो बच्चों अब करते हैं जो है मरकट आसन। आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट के ग्राउंड पर आपको क्रिकेटर खुद कर रहे होते हैं, अथवा कई बार चोटिल हो जाते हैं तो उनके कोच उनसे करवा रहे होते हैं, उनके फिजियोथेरापिस्ट उनसे करवा रहे होते हैं। ये आपको क्रिकेट के ग्राउंड पर ये नजारा अक्सर दिखता है, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ कमर के साथ साथ बहुत आम इंजरी होती है खिलाड़ी के, वो है एंकल का ट्विस्ट हो जाना जी। ऐसे हालात में योग से कैसे जो खिलाड़ी अपने एंकल को ठीक रख सकते हैं और कोई भी इंजरी से बच सकते हैं, एंकल ट्विस्ट हो जाता है ज्यादातर देखने को मिलता है। अभी उसको बताते हैं जी, तो उसको इंस्टेंट आधा मिनट में कैसे ठीक करें वो बताएंगे अभी। वैसे एंकल की हमने और रिस्ट की दोनों के लिए अभी एक्सरसाइज में बताएंगे। ये मरकटासन तो सबको करना है, इससे चूकना नहीं है, और थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो सर्वांगासन और हलासन कर ले। तो ये आज के क्रिकेटर्स का योग हो गया।